झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आखिरकार जमानत मिल ही गई। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस रंजन मुखोपाध्याय ने जमीन घोटाले के मामले में जेल में बंद हेमंत सोरेन को जमानत दे दी है। बता दें कि हेमंत सोरेन को 50,000 के दो मुचकले पर जमानत दे दी गई है। बता दें कि हेमंत सोरेन को 31 जनवरी 2024 की रात को प्रवर्तन निदेशालय ने लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया था। गौरतलब है कि बड़गाई में 8.5 एकड़ जमीन में घोटाले के मामले में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता और पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को गिरफ्तार किया गया था। मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार किए गए हेमंत सोरेन के पीएम एलए कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक में जमानत की अर्जी दी, लेकिन बार बार उनकी जमानत अर्जी खारिज हो जा रही थी। आखिरकार आज उनको झारखंड हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली। बता दें कि हेमंत सोरेन की याचिका पर 13 जून को ही आखिरी सुनवाई हो गई थी और हाई कोर्ट ने इस फैसले को सुरक्षित रख लिया था। उस दिन झामुमो नेता के वकील कपिल सिब्बल ने अपने मुवक्किल को जमानत देने की पैरवी कोर्ट में की थी। वहीं शुक्रवार को सुबह डबल बेंच की सुनवाई के बाद जस्टिस रंजन मुखोपाध्याय की सिंगल बेंच ने अपना आदेश सुना दिया। उन्होंने कोर्ट रूम में एक लाइन में फैसला सुनाया, जिसमें कहा कि हेमंत सोरेन को जमानत दे दी जाती है। इतना कहते ही हेमंत सोरेन के चेहरे पर खुशी आई। वहीं झारखंड हाई कोर्ट ने ईडी के जमानत पर 24 घंटे के स्टे लगाने के आग्रह को खारिज कर दिया। बता दें कि हेमंत सोरेन के 5 महीने के बाद जमानत मिली है। हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद झामुमो के साथ साथ कांग्रेस के नेता भी प्रसन्न हैं। बता दें कि हेमंत सोरेन जल्द जेल से बाहर आएंगे। फिलहाल वह रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में बंद है।